हाय गाइस, आज है 15th और आज है मेरा बर्थडे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा और क्या चल रहा। तो मैं केक बाहर से ना ऑर्डर करके आज घर पे ही बना रहा हूँ। तो आज हम तीन चीजों के साथ इजी घर पे केक बना रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को विश भी कर सकते हो। तो अपना केक बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हम यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट यूज कर रहे हैं और इसको आप ऐसे निकाल के छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना तो ये इजीली ब्लेंड होगा। और इसका पतला पाउडर बनाएंगे। फटफट से मैं पूरा ऐसे ही पीस लेता हूँ और इसके बाद मिलता हूँ आप लोगों को। दूसरी चीज है ये मिल्क, ये हम इसमें ऐड करने वाले हैं। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन चुका है, तो इसमें मिल्क ऐड करते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं। और इसमें आप लोगों को एक ही डायरेक्शन में चलाना है ताकि ये इसमें लम्स ना रहे और ये बैटर आपका थिक भी ना बने और ज्यादा पतला भी ना बने। बचा हुआ ये भी ऐड कर देता हूँ। इनो कहाँ है? इनो अभी आ रहा है, मार्केट से चल के आ रही है। कुकिंग चैनल मत स्टार्ट करना वरना साले आधा बताओगे आधा नहीं बताओगे। क्या करने लग रहा है, क्या बोल रहा है? जो मिक्स कर रहे हो ये? हाँ, ये गरीबी से बुरे हाल है। ची पॉटी। ये पॉटी खानी भी है। मिक्स करो मिक्स करो मिक्स करो, बढ़िया से मिक्स करो। तो नेक्स्ट चीज हम इसमें इनो ऐड करने वाले हैं। तो इनो ऐड करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के हम इसको और थोड़ा मिक्स करेंगे, उसके बाद हमारा बैटर जो है वो तैयार हो जाएगा। हमें टेडी बियर दिख रहा है पीछे, वो किसका है? इसका नाम भोलू है, भोलू। और दूसरे वाले ये भोलू, ये भोलू की भोली चिंकी। ये दोनों भाई बहन है। शी यार, भाई बहन बना दिया बोलू चिंकी को। बोलू बोला है इसलिए उसकी बहन है। अबे साले कभी। अब इसको पैन में डालते हैं और बेक करते हैं। तो अभी हम इसमें ऑयल अप्लाई कर चुके हैं पैन में और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये बटर पेपर जो हमने घर पे जुगाड़ से बनाया है। तो अगर आप लोगों को ये देखना है कि हम लोगों ने ये कैसे बनाया, हम ऑलरेडी केक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं मिक्सटी के चैनल पे, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अच्छे से। आप इस पे ऑयल लगा के अब हम इसमें बैटर को डालेंगे। तो थोड़ा सा दूध बचा भी है, तो जब थोड़ा सा दूध बच जाए इसको वेस्ट ना करें। मेरे को दुदू। तो अभी गैस ऑन करके हम पहले पैन रखेंगे और क्योंकि हमें डायरेक्ट हीट से कांटेक्ट नहीं करना है अपने कुकर का, तो हम पहले पैन रखेंगे और हल्का से भी हीट हो जाएगा इसके ऊपर पैन रख के इसको कम से कम 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। और बार बार इसमें हम टूथपिक डाल के चेक करते रहेंगे कि ये बना है या नहीं बना है। अगर बना होगा तो ये बिल्कुल क्लीन वापस आएगा और अगर नहीं बना होगा तो इसमें हल्का हल्का जो बैटर है वो आपका चिपक के वापस निकलेगा, मतलब आपका केक नहीं पका है। तो पकने का इंतजार करें और कभी नहीं बना। डाल के देखते हैं कि ये बना है या नहीं बना है। तो ये अच्छे से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो फाइनली ये केक तो हो गया रेडी और ये भी थोड़ा ठंडा भी हो गया, तो अभी मैं इसको निकालने जा रहा हूँ।
तो बस ये ढंग से निकल जाए तो ऑलमोस्ट 70% काम हो जाएगा हमारा। टुकड़ों में तो नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार हमारा बटर पेपर अंदर ही रह गया। कोई बात नहीं, केक काफी अच्छा आ चुका है। Seriously, मुझे यही फीलिंग आ रही है, धरती ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी भूकंप है और धरती पड़ेगी। पर खाने में एक नंबर होगा, दिल्ली का भूकंप यहाँ आ चुका है। रोडी सल्यूट। खत्म। अच्छा हो रहा है।